नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंडियन रेसिपीज़ विद सीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही स्पेशल क्रिस्पी चावल के पापड़ बनाने की फुल टिप एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। ये मेरे गाँव की बहुत ही एक्सपर्ट दीदी हैं, उनकी मेथड है। इस तरीके से आप पापड़ बनाएंगे तो आपके पापड़ कभी नहीं बिगड़ सकते। और रियली फ्रेंड्स, इस पापड़ को सभी लोग खाने में बहुत पसंद करते हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चावल के पापड़ बनाने के लिए आप नया वाला मोटा चावल का ही यूज़ करें, क्योंकि नए चावल में स्टार्च ज़्यादा होता है, उसमें चिकनापन होता है, तो हमारे पापड़ बहुत ही अच्छे बनते हैं। और पुराने चावल में हमारे पापड़ अच्छे नहीं बनेंगे, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप नया वाला मोटा चावल का ही यूज़ करें। मार्केट में वो आसानी से मिल जाता है। चावल को अच्छे से गील लें ताकि उसमें कंकड़ पत्थर ना हो, और इसे 2 से 3 बार देखो साफ पानी से धुल लें। इसे तब तक धुलना है जब तक कि इसका चावल का गंदा पूरा निकल ना जाए। इस तरीके से 2 से 3 बार अच्छे से चावल को धुल लिया। अब इसमें आप फुल बर्तन में, जो भी बर्तन में आपने चावल लिया है, उसको पूरा भरकर पूरा पानी भर दें और उसे ढककर पूरी रात तक के लिए इसको ढका रहने दें। दूसरे दिन ये पानी इस कलर का हो जाता है, पूरा वाइट हो जाता है, इस पानी को निकाल लें। इस प्रोसेस को हमें 8 से 10 दिन मिनिमम करना है, तभी आपके पापड़ अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। इस तरीके से आप डेली, आज कल परसों, इसी तरह आप 8 से 10 दिन करें। मिनिमम 8 दिन तो करना ही है, नहीं तो आप 10 से 12 दिन भी कर सकते हैं। इस तरीके से पानी भरें, फिर दूसरे दिन इसका पानी चेंज करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इस चावल का जब पानी अलग करेंगे तो इसको हाथ लगाकर धुलना नहीं है, नहीं तो ये चावल है, हाथ लगाकर यदि आप धुलेंगे तो ये चावल पूरा घुल जाएगा। इस तरीके से हमने इस प्रोसेस को 10 दिन कर लिया है। चावल का पूरा पानी निकाल दिया है लास्ट 10वें दिन, और इसको हम किसी भी जालीदार छन्नी में कपड़े के ऊपर छान लेते हैं, पूरा चावल निकाल लेंगे ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इस तरीके से आप कोई भी जालीदार छन्नी के ऊपर, कोई भी कपड़ा के ऊपर पूरा चावल को पलट कर आप एक्स्ट्रा पानी निकाल दें, और फिर से धूप में इस चावल को फैला दें। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप 10 दिन तक इस प्रोसेस को करेंगे तो आपके पापड़ बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और चावल जब अच्छे से सूख गया था, तब इसका हमने पाउडर फॉर्म में इसका अच्छे से पाउडर तैयार कर लिया, पिसवा लिया है। अब ये चावल के आटे को आप किसी भी बड़े बर्तन में लें और इसमें पानी ऐड करते हुए धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करें, और एकदम से पानी ऐड ना करें। इस तरीके से पानी ऐड करते हुए ऐसे हाथ की हेल्प से ये बहुत ही अच्छे से बैटर बनकर तैयार होगा, क्योंकि बीच बीच में कहीं पर गांठ भी आ जाती हैं। ऐसे हाथ से करते हुए हम तैयार करते हैं ये बैटर, तो अच्छे से बनता है। जब बैटर तैयार हो जाए तो इसमें 2 टेबल स्पून नमक, नमक स्वाद अनुसार ऐड करें, जीरा और तिल, 2 टेबल स्पून तिल, 2 टेबल स्पून जीरा इसमें ऐड कर देते हैं। ये बैटर की कंसिस्टेंसी डोसे की बैटर की तरह होना चाहिए, इस तरह का। आप इसमें तिल जो डालते हैं, तिल को अच्छे से भून कर ताकि उसमें कंकड़ ना हो, तभी डालें। तिल जीरा डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। नमक आप स्वाद अनुसार ऐड करें। इस तरीके से इसका बैटर देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की रखें। अब कोई भी आप बड़े बर्तन में इस तरीके का मुंह हो ताकि उसमें प्लेट आ जाए, ऐसे बर्तन में आप पानी गर्म कर लें,
अच्छा पानी खौल जाए, उसके ऊपर से आप कोई भी पतला रुमाल या पतला कोई भी कपड़ा हो, बिल्कुल पतला कपड़ा का ही यूज़ करें उसके मुंह पर इस तरीके से। यदि कपड़ा छोटा है तो कपड़े की कोई भी रस्सी की हेल्प से ऐसे बांध लें और इसको ढककर इसको अच्छे से पानी को अच्छे गर्म हो जाने दें। ये हमारा बैटर डोसे के बैटर की तरह पतला है। अब इस तरीके का कोई भी थाली लें, थाली का बाटी साइड से इस तरीके से होना चाहिए ताकि हमारे को पापड़ बनाने में भी आसानी हो। ऐसे बैटर को डालते जाएं और इस तरीके से रोटेट करते जाएं ताकि वो पापड़ अपने शेप में आता जाएगा। इस प्रोसेस को आप गैस में भी कर सकते हैं, गैस में भी बनाना बहुत ही आसान होगा। इस तरीके से देखिए ऐसे घुमाते जा रहे हैं, रोटेट करते जा रहे हैं तो अपने आप ये सर्किल शेप में आ रहा है पापड़। अब जो पापड़ का एक और प्लेट था उसे निकाल लिया और इस पापड़ को हमने वही जो कपड़ा बांधा है बड़े वाले गंजे के ऊपर रख दिया। 8 से 10 सेकंड में ये पापड़ अच्छे से पक जाता है एक साइड से। फिर इसको हम ऐसे पलटा देते हैं इस थाली को। थाली इसी तरह की यूज़ करें ताकि आपको गंजे में अच्छे से आ जाए। अब इस तरीके से आप दूसरी थाली में भी ऐसे बैटर को लें और घुमाते हुए सर्किल शेप दें। यह हमारा पापड़ एक थाली का बनकर रेडी हो गया है और गंजे के ऊपर हमने दूसरी थाली रख दी है। अब कोई भी बड़े बर्तन में ऐसा पानी ले लें और उसके ऊपर से पापड़ वाली थाली को रखें। ऐसे पानी के ऊपर ये थाली को रखते हैं तो हमारा पापड़ अच्छे से निकल जाता है। और थोड़ी एक अल्पेन या कुछ भी पैनल से आप पापड़ को निकाल लें। अब फिर इस थाली को आप अच्छे से पोंछ लें पानी से और कपड़े से। यदि आपने इसको पोंछा नहीं तो आपके पापड़ चिपकेंगे और निकल नहीं पाएंगे। इसलिए इस प्रोसेस को इस तरीके से आप करते जाएं कि जब भी उससे पापड़ निकालें, हल्की सी हम पिन लगाकर इस पापड़ को निकालते हैं तो पापड़ हमारा आसानी से निकल जाता है। थोड़ा सा बस सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जो हम सेफ्टी पिन का यूज़ करते हैं ना, उसी से आप थोड़ा सा सपोर्ट करके आप निकाल लें और फिर थाली को आप अच्छे से क्लीन कर लें। ध्यान रखें जो हम बड़े गंजे में कपड़ा यूज़ किए हैं वो कपड़ा आपका बिल्कुल पतला होना चाहिए। जो भी हैंकी यूज़ करें तो पतला, यदि आप मोटा कपड़ा यूज़ करेंगे तो वो जो ऊपर थाली रखेंगे मोटा कपड़ा, जब अंदर गंजे में भाप बनेगी ना तो वो थाली को गिरा देता है। इसलिए आप पतले कपड़े का ही यूज़ करें। इस प्रोसेस को आप इस तरीके से करते जाएं। फ्रेंड्स, ये पापड़ बनाना बहुत ही आसान है। और आप धूप में कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर ऐसे पापड़ रखते जाएं। 3 से 4 घंटे में ये पापड़ सूखकर रेडी हो जाएंगे। ये पापड़ हमारा सूखा नहीं है और जो पापड़ सूखे दिख रहे हैं इनको आप पलटा लें। फ्रेंड्स, ये मैंने 5 किलो के आटे से चावल के पापड़ बनाकर तैयार किया है। 1 केजी चावल के आटे से आप 45 से 50 पापड़ बना सकते हैं। ये पापड़ मेरे सूखकर रेडी हो गए हैं। अब इसको डीप फ्राई करके बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो पापड़ साइज में दिख रहे हैं ना, आप इसको तोड़कर भी ऑयल में डीप फ्राई कर सकते हैं या सेगा। आप पूरा यदि पापड़ रिफाइंड ऑयल में डीप फ्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा अमाउंट में ऑयल होना चाहिए कढ़ाई में। फ्रेंड्स, ये पापड़ रियली खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं, सच में आपको बिलीव ही नहीं होगा। और बिना सोडा के ये पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। बस इसका मेन वही प्रोसेस है कि इसको 10 से 12 दिन आप पानी में भिगोएं और पानी इसका कंटिन्यू चेंज करते रहें। यदि आपने पानी चेंज नहीं किया तो इसमें बदबू आ सकती है, इसलिए पानी डेली चेंज करना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।